इस्लामी को पॉपुलर न्यूज के साथ मैं हुमायरा वहीद। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वजीर आजम का बड़ा मिशन मगर मुकम्मल सादगी के साथ, इमरान खान के दौरा अमरीका की तैयारियां मुकम्मल, खसूसी तैयारी के बजाय कमर्शियल परवाज पर जाएंगे। दौरे पर सिर्फ 1,62,000 डॉलर खर्च आएगा। वजीर आजम 27 सितंबर को अक्वाम मुतहदा में कश्मीर का मुकदमा लड़ेंगे। वजीर आजम आजाद कश्मीर राजा फारूक हैदर का LOC भिम्बर सेक्टर का हंगामी दौरा, आवाम से खताब करते हुए कहा, भारत से मैली आंख से देखा तो आजाद कश्मीर भारतीय अफवाज का कब्रिस्तान बना देंगे, भारतीय मकबूजा वादी से कर्फ्यू खत्म करें वरना LOC को रोंद डालेंगे। अपोजिशन की हुकूमत को टफ टाइम देने की तैयारी, नून लीग ने जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान के आजादी मार्च में शिरकत का ग्रीन सिग्नल दे दिया। शहबाज शरीफ से फजलुर रहमान की मुलाकात, आजादी मार्च पर असूली इत्तफाक हो गया। एहसन इकबाल का कहना है कि फैसला 30 सितंबर को नून लीग की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगी। अकरम दौरानी बोले, दूसरी अपोजिशन जमातों को भी दावत देंगे। सकरदू में गुज़श्ता रोज दुश्मनों की फायरिंग से जामे शहादत नोश करने वाले शहीद सिपाही अख्तर हुसैन को इनके अबाई गांव में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में अजीजों वकारिब के अलावा पाक फौज के आला हुकाम ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। में पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन चौधरी अली अजद और हाजी अमानुल्ला का लोगों ने भरपूर इस्तकबाल किया। अली अजद की 17 में सुई गैस और दीगर मसाइल के जल्द हल करने की यकीन दहानी, इन मसाइल में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज वुमेन में साइंस टीचर और फिल्टर प्लांट शामिल हैं। और जो बाकी जगह इनकी रहती है, बाकी मोहल्ले जो रहते हैं, इंशाल्लाह वहाँ पे भी पाइप डलेगा और मेरे ख्याल से 2-3 हफ्ते में गैस आके या हम जलाएंगे भी। पाकपतन सराफा बाजार में चला कमसिन लड़का सुनार को चकमा देकर लाखों रुपए की मालियत के जेवरात ले उड़ा। फैमिली ने दुकानदार को बातों में लगा रखा, बच्चे ने इस बात का फायदा उठाकर जेवरात का डिब्बा गायब कर लिया। पॉपुलर न्यूज ने वाकये की CCTV फुटेज हासिल कर ली। हरिपुर खिलाबट में पहली बार बुजुर्ग और बेघर नादार अफराद के लिए साहिबान बुजुर्गान के अदारे का क्याम अमल में लाया गया। यहां पर रोटी, कपड़े, मकान और मेडिकल के अलावा दीगर सहूलियात भी दी जाएंगी। साहिबान बुजुर्गान का इफ्तिताह चंद नौजवानों ने मिलकर अपनी मदद आप के तहत किया। मजीद जानते हैं मुराद सनम की इस रिपोर्ट में। हरिपुर में पहली मरतबा अपनी नौत का मुनफरद इदारा साहिबान बुजुर्गान के नाम से खड़ा हो जिसने आज बाकायदा तौर पर इफ्तिताह कर दिया। इस इदारे का मकसद यहाँ पर मौजूद बेसहारा, बेयार और मददगार जो बुजुर्ग हैं, जो अपनी जिंदगी सड़कों पर गुजारते हैं, दर दर की ठोकरें खाते हैं, उनको यहाँ पर रोटी, कपड़ा, मकान, रिहायश, मेडिकल और दीगर सहूलियात से आरास्ता इस इदारे का क्याम चंद नौजवानों ने अपनी मदद आपके तहत किया। यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ, बाकायदा तौर पर कानूनी हैसियत से यहाँ पर की जाएगी, उसके बाद यहाँ पर जो नादार गरीब लोग आएंगे उनका एडमिशन किया जाएगा। इस हवाले से यहाँ पर ऐसे इदारों का मकसद बनाव तमाम मुखियत अफराद जानी माली तौर पर यहाँ पर सकल जाके इंसानियत को बरस दें। राशन पॉपुलर TV हरिपुर। सवात ऑपरेशन के दौरान 2013 में शहीद होने वाले मियां वाले दाऊद खेल के मेजर जनरल सलाउल्ला खान नियाजी का 6th योम शहादत अबाई गांव में मनाया गया। जंग की तहसील शोरकोट में राइस मिल एसोसिएशन के जेरे एहतमाम इजलास हुआ। इजलास में राइस मिल्स मालिकान ने शिरकत की और एक्सपोर्ट बढ़ाओ प्रोग्राम का सेमिनार किया। इसके अलावा चावल की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए तजावीज भी पेश की गयी।